वेलकम टू अनकैडमी लेट्स क्रैक हिट क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म होपफुली आप सब ठीक होंगे अच्छे से होंगे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम यूट्यूब पे मिल रहे हैं मेरा नाम सुहील तुर्की है होपफुली आप सब ठीक होंगे प्लीज़ डू लेट मी नो माय ऑडियो एंड वीडियोज़ क्लियर एंड एवरी इज़ नीट एंड क्लीन आई वेलकम अंकित हवाई यू आई होप आप ठीक होंगे अंकित सो जस्ट लेट मी नो देट आई एम ऑडियोबली ऑडियो इज़ क्लियर या थैंक यू सो मच सो बेसिकली ये क्लासेज हमारी जो हैं वो नीयर अबाउट वन वीक तक चलेंगी और ये क्लासेज की टाइमिंग एक्जैक्टली टेन ए एम है बट अनफॉर्चुनेटली आज टेक्निकल इश्यूज के कारण हम लोग टेन ए एम नहीं जुड़ पाए और ये क्लास हमें चार बजे लेनी पड़ी सो so, आप डेली मुझे टेन एम हर दिन जो है फॉर एंटायरली वन वीक मेरी कोशिश ये है, है कि जितनी भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पर्सनैलिटीज़ हैं uh, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हु हैव प्लेड अ वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड इवन दो आई हैव स्टार्टेड नो आई हैव कम्प्लीटेड फ्यू ऑफ क्लासेज ऑन स्पेशल ऑन अनअकेडमी लर्निंग ऐप जिसमें मैंने अल्फाबेटिक मैनर्स में इनको कंप्लीट करने की बात की थी कि दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए टू जेड जैसे ए से हम लोगों ने एनी बेसन को कंप्लीट किया था देन uh, फिर बी में हमने भगत सिंह को भी कम्प्लीट uh, किया मैंने स्पेशल क्लासेज में और फिर कल हम लोगों ने बाल गंगाधर तिल्क भी पढ़ा था तो रेस्ट ऑफ द क्लासेज जितनी भी होंगी फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर्सनैलिटीज की वो सारी की सारी यूट्यूब पर होंगी और एक्जैक्टली टेन एम पर जो है ये क्लास होगी यूट्यूब के ऊपर और इसमें हम उन पर्सनैलिटीज़ की बात करेंगे जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और उसमें से एक नाम जो है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जिनका नाम था बिपिन चंद्रपाल अब ये पर्सनैलिटीज़ से पढ़ने का हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलरली एक ऐसे फ्रीडम फाइटर या किसी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसकी पब्लिकेशन की भी बात करते हैं उन्होंने किस तरीके से इंडिया की फ्रीडम में पार्टिसिपेट किया उनका जो है कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए क्या रहा है तो जब आप क्लियरली उनको हर एक प्रस्पेक्टिव सोशली इकोनॉमिकली आप पॉलिटिकली देखते हैं तो फिर आपके लिए आंसर देना मीनस में बहुत ईजी हो जाता है और ये हमने जब स्पेशल क्लासेज में ले रहा था मैंने तब भी आपको कहा था कि अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सारी पर्सनैलिटीज़ को एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि आपका स्पेक्ट्रम में एक पूरा चैप्टर है जिसमें इंटायरली उन्होंने पर्सनैलिटीज़ के बारे में लास्ट चैप्टर है स्पेक्ट्रम का उसमें भी आप चेक करेंगे और हमें बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि यूपीएससी में मेन्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली आपसे किसी पर्सनालिटी का कंपैरिजन पूछा है जैसे टू में अगर आप देखेंगे या 2018 के अंदर भी देखेंगे तो द डिफरेंसेस बिटवीन दे सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी दे आइडियाज ऑफ बी आर अम्बेडकर टूवर्ड्स देटेचबिलिटी तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं तो उसके लिए एक बेटर वे है अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम एक आंसर uh, किस तरीके से अच्छा लिख सकते हैं मेंस में हम कितने तो उसका बेटर वे पढ़ने का यही है कि आप उस पर्सनैलिटी को कंप्लीटली एक पैकेज की तरह पढ़ें उसको सोशली भी देखें इकोनॉमिकली भी लेकिन इसमें क्या है कि काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज ऐसी भी हैं Uh, जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अब ऐसा नहीं है कि आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे नाम हैं हिस्ट्री के अंदर अब अगर उनको आप पढ़ने बैठेंगे तो इट विल टेक यू ईयर टू कंप्लीट साल आपको लग जाएगा वो कंप्लीट नहीं होंगी तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मेजर पर्सनैलिटीज को पढ़ रहे हैं तो मेजर पर्सनैलिटीज के अंदर जिन जिन ने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया या उनका कोई न्यूज़पेपर जो है वो बहुत पब्लिश हुआ और फिर लोग अवेयर हुए या उनकी कोई बुक ऐसी थी जिसको पढ़ने के बाद लोगों के अंदर नेशनलिज्म जागा ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और उनका इम्पैक्ट आज भी हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इम्पैक्ट जो आज भी हमें कंटेम्प्रेरी इंडिया में देखने को मिलता है वो एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है यूपीएससी के लिए अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर अननेसेसरली uh, पढ़ना भी शुरू कर दें काफ़ी सारे uh, बिना कोई रीज़न के तो फिर आपको ईयर्स लगेंगे उनको कंप्लीट करने के लिए तो कोशिश कीजिएगा कि जितने हम पर्सनैलिटीज़ मैं बता रहा हूँ जिसमें मैंने पहले अनिबेसिंत कम्प्लीट करवाया था उसके बाद बाल गंगाधर तिल कम्प्लीट किया हमने भगत सिंह किया आज हम विपिन चंद्रपाल कर रहे हैं तो बी से जो हैं काफ़ी सारे नाम हैं हमारे पास और इसी तरीके से फिर सी डी ई एफ जितने भी नाम आएंगे जेड तक जितने भी हमारे पास नाम हैं उनको हम कंप्लीट करने की और ये क्लासेस अभी वन वीक तक यूट्यूब uh, पे चलेंगी एंड होपफुली आप लोगों को ये बहुत फ्रूटफुल लगेंगी और आप इससे बहुत कुछ सीख सीखेंगे आई रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट प्लीज़ मेक योर नोट्स आप अपने नोट्स बना सकते हैं और इनको यूटिलाइज कर सकते हैं जब आपकी आंसर राइटिंग होती है और डेली मेरी आंसर राइटिंग की क्लासेज जो हैं वो सेवन पी जो है अन अकेडमी uh, की लर्निंग ऐप पर होती है आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू यू कैन ज्वाइन मी देयर एज वेल बाई यूजिंग माई कोर्ट सुहेल टेन सो लेट्स ग्रेट स्टार्ट टूडे क्लास बट बिफोर आई शुड स्टार्ट आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यू पी एस सी जी एस वार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा क्लासेस मिलती हैं मैं बार बार अपने बच्चों से भी ये कहता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है आप इन एजुकेटर्स के थ्रू काफ़ी कुछ सीख सकते हैं ये एजुकेटर्स सबसे ज्यादा आपको जिस चीज़ के बारे में बताते हैं और सिखाते हैं वो ये है कि किस तरीके से राइट अप्रोच यू पी एस सी के लिए कौन सी अप्रोच सही है और किस तरीके से हम यू uh, को क्लियर कर सकते हैं और बहुत बार एक मैंने uh, मैं वोट भी यूज़ करता हूँ कि दैट वन मस्ट बी एबल टू ड्राई लाइन ऑफ डिमार्केशन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी दिस इज़ नॉट द एग्जाम ऑफ स्टोरीज़ स्टोरीज़ का एग्जाम नहीं है आप सिर्फ अगर सजेशन uh, uh, लेते रहेंगे और सिर्फ सुनते रहेंगे तो काम नहीं होने वाला है आपको करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल शेप देनी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने कॉन्टेंट को लेके एथेंटिसिटी को लेकर अपना कॉन्टेंट बहुत कम रखना पड़ेगा वो कंटेंट जो एथेंटिक है वो कंटेंट जिसको आप वापस रिवीजन कर पाएं वो कंटेंट कंटेंट नहीं होता जो एक बार आपने पढ़ा फिर वापस मौका ही ना मिला आपको कि उसको मैं कभी रिवीजन कर पाऊं और उसमें से सबसे बेस्ट वे यही होता है कि आप अपने कंटेंट को बहुत लिमिटेड रखें और अगर आपने एक बुक से कोई कंटेंट लिया है तो उस बुक को फिर से वापस रिवीजन कीजिए जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूं एंड माशाल्लाह वी हैव सम स्टूडेंट्सर टेकिंग माई क्लासेज ऑन रेगुलर बेसिस ए रीजन यही है कि मैम भी उनको यही बार बार कहता हूँ कि जितना आप रिवीजन करेंगे बेटा उतनी चांसेस आपके यू के एग्जाम में है और इन टीचर से हमें वही सीखने को मिलता है कि वो अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करते हैं करना आपको है एग्जाम आपको देना है बट हाँ एक्सपीरियंस जब शेयर होता है कि क्या यू क्या डिमांड कर रहा है एट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिमेंबर जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे उतना आपको पता चलेगा कि आप राइट ट्रैक पे हैं या नहीं आज हम लोग बिपिन चंद्र पाल के बारे में बात करेंगे दिस इज़ अबाउट मी सुहेल तुर्की एंड वर्किंग फ्रॉम द लास्ट एट ईयर यू पी एस और बहुत खुशी होती है कि अगर uh, कोई कैंडिडेट uh, को गाइड करूं और uh, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप मेरी लाइव क्लासेजेडमी लर्निंग ऐप पे भी ले सकते हैं डेली क्लासेस होती हैं यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल कॉल्ड यू पी एस सी मैंटर ट्वेंटी वन आर यू पी एस सी मैंटर विद सुल तुर्की टू गैट एन अपडेट रिगार्डिंग माई क्लासेज अपार्ट फ्राम दट दिस इज द बेस्ट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू दैटमी फर्स्ट टाइम ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ को ऑफ मिल रहा है ये अच्छा मौका है आपको आन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने का फॉर वन ईयर फॉर टू ईयर फॉर थ्री ईयर और ये सिर्फ आज के लिए है सो so, जो भी कैंडिडेट्स जिनको प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जुड़ना है और वो चाहते हैं कि टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा उनकी क्लासेस हो सो टुडे यू विल गेट अ 22 परसेंट ऑफ ऑन ऑल एल अकेडमी सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय कोड टू हेल टेन वाई यूजिंग माय कोड हेल टेन यू विल गेट अ टेन परसेंट ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट एंड टुडे इज अ लास्ट डे दोज वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन इफ दे हैव एनी क्वेश्चन दे कैन सेंड मे मैसेज ऑन माई टेलीग्राम चैनल कॉल

बिपिन चंद्र पाल के बारे में बात करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग दन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैं ये कह सकता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर इनको आप कहाँ पर देखते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से हमें पता चलती है तो इनकी इम्पॉर्टेंस के तौर पर मैं इनको ज़्यादातर एक अच्छा राइटर मानता हूँ क्योंकि इनकी राइटिंग से एक राइटर जो थे ये बहुत बड़े अच्छे थे और इनकी राइटिंग से जो लोगों को नेशनलिज्म के बारे में इन्होंने लोगों को जो नेशनलिज्म के बारे में बताया वो बहुत बढ़िया था इनका जो कंसेप्ट था वो बड़ा क्लियर था नीट एंड क्लीन था लेकिन अगर इनके नेशनलिज्म की बात करें क्योंकि आपको याद होगा कि इनका एक बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन क्लोज कनेक्शन जो था वो लाला लजपत राय के साथ भी था और साथ में ही ये अपने बिपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों एक ही नाम से ही जाने जाते हैं जिसको हम त्रिमूर्ति कहते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के साथ भी इनको हम जोड़ते हैं और उसके साथ साथ इनका अरबिंदो घोष के साथ भी एक था तो ये माना जा सकता है कि सर ये फिर थोड़े से एक्सट्रीम टाइप के थे और इनकी सोच ये थी कि इंडिया के अंदर जो सेल्फ रूल आएगा जिसकी ये डिमांड कर रहे थे तो सेल्फ रूल लाने के लिए थोड़ा सा एक्सट्रीम होना जरूरी है अब वायलेंस का तो मैं नहीं कह सकता बट इनका यह मानना था कि सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है कि अगर इंडिया आज़ाद होगा तो वो एक ही तरीके से आज़ाद होगा जब इंडिया अपने कल्चर को प्रिजर्व करेगा उन्होंने कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्योंकि हम इनकी बुक्स के बारे में भी बात करेंगे बट अगर आप देखेंगे तो मुझे मेजर इवेंट जो इनकी लाइफ के लगते हैं वो यही है कि ये ज़्यादातर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बुक्स लिखी और इनको लगता था कि Uh, जब कोई पढ़ेगा वो तभी इंस्पायर होता है और तभी वो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और uh, क्योंकि कनेक्शन भी अगर आप देखेंगे लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक इन लोगों के साथ है तो इन लोगों के बारे में हम जानते हैं कि ये भी एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं लेकिन uh, जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो यही था कि ये ब्रिटिश लोगों की जो डिमांड जो उनसे डिमांड मांग रहे थे वो यही था कि हमें एक सेल्फ रूल चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का वो कोई कंसेप्ट नहीं था इनका सिंपल मानना था कि हर चीज को बाइकआउट कर दिया जाए और बिपिन चंद्र पाल की बुक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वो सिंपली लिखते हैं कि बाइकआउ बाइकआउट एवरीथिंग अगर आप किसी चीज को बाइकआउट कर देंगे तो डेफिनेटली ब्रिटिश लोग जो है वो बहुत गरीब हो जाएंगे और वो फिर इंडिया को छोड़ के चले भी जाएंगे जिसके बारे में गांधी जी भी बात करते हैं तो इनकी राइटिंग कैसी थी अब यूपीएससी प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी बुक थी इन्होंने कितनी बुक्स लिखी कौन से आर्टिकल जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों लोगों लो ने पढ़े और उसके बाद बिपिन चंद्रपाल का एक बहुत बड़ा नाम बना और उसके बाद इन्होंने आई को ज्वाइन किया बट आई को ज्वाइन करने के बाद बीच में बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे रहे कि जब आई का जो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इज नोन एज द मॉडरेट फेज उसमें कुछ क्लैश थे आइडियोलॉजीज uh, क्लैश कर रही थी बिटवीन दे बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड बिटवीन द मॉडरेट क्योंकि इनका ये मानना था कि हम वेट नहीं कर सकते हमें अब uh, क्योंकि जो इनिशियली स्टेज ऑफ आईएनसी का था 1885 का उसमें यही था कि टी पार्टीज ज़्यादा हो रही थी बड़ी बड़ी पिटिशन्स लॉन्ग पिटिशंस देने का एक कार्यक्रम चलता रहता था और एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है कि वट वर द फैक्टर्स एंड वट वर द रीज़न मीन्स का क्वेश्चन था की इफ द फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट क्यों हुआ फॉर्मेशन क्यों हुई एक्सट्रीमिज्म क्यों आया क्यों लाला लजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को आना पड़ा तो रीजन ये था कि जो मॉडरेट फेज था वो बहुत ही ज़्यादा बहुत स्लो प्रोसेस में काम कर रहे थे और इनको ये लग रहा था कि कुछ हुआ नहीं और उसके बीच में ही नाइनटीन का बंगाल की पार्टीशन की जब बात हुई तो उसमें भी बिपिन चंद्र पाल ने बहुत सारी बड़ी बुक्स लिखी थी वो एक रीज़न था कि इनको लगा कि हमें थोड़ा सा हट के काम करना पड़ेगा और फिर इन लोगों ने एक आपको याद होगा कि एक मोमेंट शुरू की थी दैट मोमेंट इज़ नून एज विच मोमेंट बिकेम वेरी मच पॉपुलर और बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया था स्वराजस्ट मोमेंट एक बहुत ज़्यादा सेल्फ रूल गवर्नमेंट के लिए तौर पर डिमांड की गई थी और उसमें यही था कि हम लोगों को बाइकआउट करना पड़ेगा हमें इंडिया के अपने एजुकेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा अपने स्कूल्स खोलने पड़ेंगे फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना पड़ेगा और जो कि बाद में गांधी भी एक्सेप्ट करेंगे अब थोड़ा सा गांधी उसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट डिफरेंट वे में करेंगे उसमें वायलेंस नहीं होगी और यही वजह था कि ब्रिटिश लोगों को ना तो लाला लजपत राय के साथ कभी बनी ना बाल गंगाधर तिल के साथ कभी बनी और ना ही बिपिन चंद्र पाल के साथ बनी क्योंकि उनको लगता था कि ये एक थ्रेट है क्योंकि ये बहुत ही आउटस्पोकन थे और लोग इनकी बात को मान लेते थे कल मैंने जैसे ही क्लास के अंदर आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी खुद नहीं कहा कि मैं एक लीडर हूं लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया था कि ये हमारे लीडर हैं लोकमान्य का कंसेप्ट जो मैंने बताया था इसी तरीके से बिपिन चंद्र चंद्रबॉल राइटिंग में बहुत पावर होता है इन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया था लेकिन बुक्स के थ्रू न्यूज के थ्रू आर्टिकल्स के थ्रू ये लोगों को इंस्पायर करते थे आज हमें याद रखना पड़ेगा कि जो भारत की आजादी आई है इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें मैं ये भी मानता हूं कि इससे सैदा लॉन्ग रन के लिए नहीं रहे बड़ा लंबा सफर नहीं है इनका यानी इतना नहीं मान सकते कि सर बहुत समय तक ये चलते रहे लेकिन जितना भी टाइम इन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में दिया बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टफुल था और ज्यादातर इन्होंने जिस पॉपुलेशन को जिस कैटेगरी को अटैक किया था वो थे यूथ यूथ इनके साथ बहुत ज़्यादा था राइटिंग में इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद लोग इंस्पायर होते थे कि खुद ब खुद वो नेशनलिज्म को समझना शुरू कर रहे थे आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे ये भी देखेंगे कि इनका बाल गंगाधर तिलक और लाला लजपत राय के साथ किस तरीके से कनेक्शन बना और इनका व्यू क्या था कि इंडिया में किस तरीके से आजादी आएगी और कल्चरली क्यों इनको हम लोग कहते हैं और इनको काफी अलग से नाम भी दिए गए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में और सबसे पहले जब अगर आप देखेंगे तो हम ये मानते हैं कि इनका सबसे बड़ा बिपिन चंद्र पॉल वॉज एन ए इंडियन नेशनलिस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्टिक मूवमेंट एक बहुत बड़ा नाम और अगर आप देखेंगे बुक्स के अंदर में भी स्पेक्ट्रम की बुक में भी देखेंगे ये आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक आ, इंडियन नेशनलिस्टिक थे एंड अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट कम समय के लिए भी रहे हैं मतलब तो हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन्होंने दिया लेकिन जितना टाइम था मैं वही कह रहा हूं राइटिंग के लिए जाने जाते हैं सबसे ज्यादा अगर आपको कभी भी बिपिन चंद्र पाल के बारे में लिखना हो तो यह समझ जाना कि इन्होंने अपनी राइटिंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है लोगों को अब उन वो राइटिंग वो बुक्स कौन कौन सी थी वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर प्री में कभी ना कभी आपको ये देखने को मिला होगा कि बुक्स के बारे में सवाल आता है कि ये बुक किसने लिखी है या मैच ऑफ द फॉलिंग या कंसिडर द फॉलिंग स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट इज आर कोरेक्ट इन चीजों के ऊपर हमसे पूछा जाता है बिपिन चंद्र पाल इज नोन एज द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इंडिया in अब ये नाम जब हमें याद रखने पड़ते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. In है अब ये अपने जाने जाते हैं यानी आइडियाज के लिए जाने जाते हैं और ये आइडियाज हैं वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो रेवल्यूशनरी आइडियाज और मैं रेवल्यूशनरी रेवोल्यूशन के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं ये वोट जब भी आप कहीं पर भी देखेंगे ये रेवोल्यूशन के ऊपर जब वोट कोई आता है तो ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं टू ब्रिंग चेंज टू ब्रिंग चेंज टू ब्रिंग द चेंज इन द सिस्टम इन अ फास्ट मैनर इतनी तेज होनी चाहिए कि हमें उसको कोई भी टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि अगर गांधी जी का अगर आप देखेंगे तो वो रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं मुझे अगर किसी समाज को बदलना है तो आई नॉट वे लाइक मैं इंतजार नहीं कर सकता इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इनको इसी नाम से ही जाना जाता है रेवोल्यूशनरी इन इंडिया सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी देने वाले विपिन चंद्रपाल थे इनकी कोई भी बुक आप उठा के देख लें तो इनका एक ही मकसद था कि अंग्रेजों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर वोड अगर उठा के फिर कोई बुक पढ़ेंगे आप इनकी तो फिर यही पता चलेगा कि इन्होंने ये लिखा है कि किसी भी हिंदुस्तानी को हक नहीं मनता कि वो फॉरेन गुड्स लगाए फिर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको किसी ना किसी बुक में मिलेगा कि इनके स्कूल में पढ़ना भी हमारे लिए ठीक नहीं है और ये बात सच भी है क्योंकि गांधी जी ने भी बाद में यही कहा था अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आप कंपेरिजन करके देखेंगे तो उसमें गांधी जी भी कहते हैं कि अंग्रेजों को अगर किसी ने यहां पर रोक के रखा है और अंग्रेजों को अगर किसी ने स्ट्रांग बनाया वो इंडियन खुद हैं क्योंकि हम उनके साथ रोल प्ले कर रहे हैं वी आर पेइंग ए टैक्स हम उनके गुड्स को खरीदते हैं हम कॉपरेट करते हैं और बिपिन चंद्रपॉल के भी यही वोड है फर्क सिर्फ सिर्फ इतना है कि गांधी के थॉट को आप रेवोल्यूशनरी थॉट नहीं बोलते हो क्योंकि उन्होंने साथ में एक वर्ड यूज किया है सत्यग्रह कि सत्य से ही सारा कुछ होता है और साथ में ही वो कहते हैं नॉन वायलेंस बट एज फार एज बिपिन चंद्रपॉल इज कंसर्न तो वो मैं कल भी कह चुका हूं कि बाल गंगाधर तिलक क्योंकि वो भी आउटस्पोकन थे बहुत तेज तराज के थे उनको भी यही था कि मेरा स्वराज मेरा हक है और मैं इसको लेके रहूंगा और इसी चीज के लिए वो जेल भी गए लेकिन जब तक वो रहे तब तक उन्होंने यही कहते रहे टिल अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी 1920 तक सेम बिपिन चंद्र पाल भी यही कहेंगे कि मेरे जितने भी यूथ हैं वो ये समझ जाएं कि अंग्रेजों को हमें यहां से निकालना है इट इज नॉट ओनली अबाउट सेल्फ रूल इट इज अबाउट टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल भारत को अंग्रेजों के हाथ से आजाद करवाना है साथ में ही ये बहुत ही ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल वो ये भी साथ में लिखते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये मॉडरेट लोग कर पाएंगे यानी कि आईएनसी के कुछ लोग लाइक फिरोज शाह मेहता उसमें से आप डब्ल्यू सी बॉनर जी फिर उसके बाद आपके दादाबाई नरो जी क्योंकि पहला फेज जो मॉडरेट का था आईएनसी का फेस था वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में चला उन्होंने इतना कुछ चेंज नहीं लाई और ये कहते थे कि अगर बदलना है भारत को तो चेंज जरूरी है और सोशल चेंज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकली इन टर्म्स ऑफ सोशली एंड रिलीजियसली और जब तक हम इसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे अंग्रेजों को समझ में नहीं आएगा दैट्स वाई ही इज नोन एज द रेवल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया जब भी आपको थॉट्स के बारे में कोई पूछे वैसे रेवोल्यूशनरी के ऊपर तो बहुत सारे रेवल्यूशनरी हम लाला लजपत राय को भी कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को भी कहते हैं थॉट्स के ऊपर अगर कोई पूछे कि वो कौन सा था जिसने सबसे ज्यादा रेवल्यूशनरी थॉट्स इंडिया में दिए तो वो थे बिपिन चंद्रपाल रीजन उसका ये था क्योंकि एक अच्छे राइटर थे और ये खुद भी एक बहुत ज्यादा न्यूज और बुक्स लिखते थे उसके कारण लोगों ने इनको पढ़ना शुरू कर दिया और ये नाम उनको दिया गया अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वाई दीज बुक्स आर इंपॉर्टेंट ही ऑल्सो रोट ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड राइट अप द इंपॉर्टिंग सोशल अवेयरनेस एंड ए नेशनलिज्म जिनकी मैं बारे में बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के ऊपर उन्होंने हिट किया है वो यही था कि लोगों को कब नेशनलिज्म के बारे में पता चलेगा ये वर्ड और यही वजह था कि काफी बार उनकी बुक्स को उनके न्यूज़पेपर को बैन भी कर दिया गया अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी बंदा बिपिन चंद्रपाल की बुक को पढ़े अगर उनकी बुक को हम पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली नेशनलिज्म आ जाएगा और यही वजह है कि उनको ये नाम भी दिया गया नाउ अब यही मैं बार बार कह रहा हूं ये पता करना पड़ेगा अगर कल क्वेश्चन बन जाए सोचिए तो अगर क्वेश्चन बन भी जाए तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा लाइक so, सिंपली like, अब डू यू एग्री दैट बिपिन चंद्रपाल विच इज नोन एज द फादर ऑफ रेवल्यूशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एक्टिविटीज इन इन इंडिया डिफाइन एंड डिस्कस इन टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड विद्यूटे तो क्रिटिकल और फिर जब हमें डेढ़ सौ ढाई सौ वर्ड में लिखना पड़े तो हमारे पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए like, क्यों? सर वो सबसे ज्यादा आर्टिकल्स के लिए मशहूर थे अब देखिए इन्होंने कोई गन नहीं उठाई कुछ नहीं अपनी पेन से जो लड़ाई लड़ी है एक तो जो आर्टिकल्स लिखे इन्होंने और सबसे ज्यादा सोशल अवेयरनेस जो दी इन्होंने समाजी तौर पर एमोंग द नेशनलिज्म दीपल बिपिन चंद्रपाल यूज हिज प्रोफेशन ये बड़ी क्वालिटी है ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने समाज के अंदर जो चेंज लाते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू अपने प्रोफेशन के हिसाब से लाते हैं उनका प्रोफेशन ही यही था सो so, प्रोफेशनलिज्म को उन्होंने नेशनलिज्म के अंदर डाला प्रोफेशनलिज्म के तौर पर अगर आप देखेंगे उनका प्रोफेशन जो था वो जर्नलिज्म था तो यह होता है कि जब आपको कोई चीज पता है जिस चीज के बारे में आप जानते हैं उसको किस तरीके से आप समाज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं आप जर्नलिज्म के तौर पे एक जर्नलिज्म से ही उम्मीद की जा सकती है कि वो लिखता बहुत अच्छा है वो बहुत बड़ी बड़े मुद्दों को एक अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता है वो विपिन चंद्रपाल थे और उन्होंने भी इसी तरीके से अपनी अवेयरनेस लोगों तक कैसे पहुंचाई बाई द दैट्रियोटिक अवेयरनेस अब ये याद रखना इस तरीके के काम और भी फ्रीडम फाइटर्स ने किए गांधी जी भी लिखते थे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है अब यहां पे कंपैरिजन भी अगर आ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रीजन क्या है जरा इनका लिखने में क्या फर्क है ही पब्लिश इज नंबर ऑफ जर्नल्स वीकली एंड बुक्स टू स्प्रेड सबसे ज्यादा मेनली फोकस इनका होता था ये पेट्रियोटिज्म के तौर पे कोई सॉन्ग नहीं लिखते थे क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को अगर आप देखेंगे तो सॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे इनका मेन मकसद था कि लोग स्वराज को समझे और इनकी जितनी भी बुक्स आप, आप देखेंगे जो नीचे मैंने को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कंसेप्ट यही है कि हमें स्वराज चाहिए मेन हम ये कह सकते हैं क्योंकि तभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर गांधी ना होते तो क्या भारत आजाद होता तो इसीलिए पूछा गया था क्योंकि गांधी ने वही चीजें की लेकिन एक बेस्ट या एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किया है अब अगर आप देखेंगे तो इनका जो कंसेप्ट स्वराज है ये बुक के थ्रू आया ये न्यूजपेपर के थ्रू आया ये आर्टिकल के थ्रू आया और जो गांधी का स्वराज था जो गांधी जी ने दिया जैसे तो स्वराज दोनों में सेम है स्वराज का को कोई मीनिंग डिफरेंट नहीं बना लेकिन फर्क इतना था कि गांधी जी खुद रीच किए घर घर जाके लोगों को समझाना शुरू कर दिया अली ब्रदर के साथ 1921 को वो कोशिश करेंगे कि विलेज एरियाज में जाके लोगों को बताएं और उन्होंने कहा था कि अगर लोग स्वराज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो एक साल के अंदर तो सारा कंप्लीट हो जाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्वराज के अंदर फिर वायलेंस आ गई जिसके बाद गांधी जी ने नाइनटीन को विद्रॉ कर दिया था अब सवाल सिर्फ समझने की जरूरत ही है कि स्वराज जो वोड है वो सिर्फ इसलिए दिया गया था कि भारत को हम लोगों ने आजाद करवाना है अंग्रेजों से बट अगर आप गांधी का स्वराज देखेंगे वो थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट में दिया गया था उसमें दो व्यूज थे एक था जर्नल और एक था स्पेसिफिक एक था अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ना है अंग्रेजों को क्या करना पड़ेगा और एक था स्पेसिफिक हमें क्या करना है बट एज पर एज दे स्वराज ऑफ डी थ्री बोध बाल गंगाधर तिलक लाला लजपत राय एन बिपिन चंद्रपाल और उसके साथ अरबिंदो घोष को भी इंक्लूड कर लीजिए इनका मानना स्वराज का सिंपल यही था कि कल्चरली हम लोगों को किस तरीके से अवेयर होना है यहां पे कोई जर्नल और स्पेसिफिक कंसेप्ट हमें देखने को नहीं मिला अगली चीज हिज प्रोमिनेंट बुक्स इन किताबों में से एक किताब अगर आप प्री के लिए जाएंगे तो अगर मिल जाए तो कभी ना कभी ऑथर तो पूछेगा ही नेशनलिटी देखिए अब यहां से बुक के नाम से भी पता चलेगा आपको कि ये ज्यादातर हिट स्वराज को ही कर रहा है नेशनैलिटी एन एंपायर इंडियन नेशनलिज्म अब देखिए वर्ड से ही पता स्वराज इन द प्रेजेंट सिचुएशन द सोल ऑफ इंडिया द बेसिस ऑफ द सोशल रिफॉर्म अब देखिए आपको खुद लग रहा है कि बुक के नाम से ही कि किस चीज के ऊपर ये बुक लिखी गई होगी दिदु हिंदुजम एंड द न्यू स्प्रेड तो इन सारे से पता यही चलता है कि सर वाकई में जो उनको नाम दिया गया है जो यहां पे मैंने बताया था ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये पॉइंट जो है ना फादर ऑफ ए रेवल्यूशनरी इट क्लियरली शोज द वे ही हैज रिटन द बुक वहां बुक्स के अंदर में भी यही पता चलता है इवन द आर्टिकल जो आर्टिकल उन्होंने लिखे ही वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द डेमोक्रेट द इंडिपेंडेंट एंड देयर आर नंबर न्यूज पेपर एंड आर्टिकल एज वेल सो so, अब मुझे यह बात क्लियर होगी वाई ही इज नोन एज द रेवल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया लोगों के अंदर सो डज इट मेक एनी नो लाइक इंपॉर्टेंस इन द इंडियन हिस्ट्री यस याफकोर्स जरूरी नहीं है कि सर सब ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया हो या उन्होंने कोई बड़ी जंग लड़ी हो इसलिए हम उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं तो अगर किसी ने अपने प्रोफेशन को लेके भी चेंज लाई है तभी कहा जाता है कि इफ इफ यू 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 आर 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 इन अ अ गुड प्रोफेशन प्रोफेशन मे मे बी बी एन ऑफिसर डॉक्टर कैन रिफॉर्म आप अपने में भी रह के बहुत कुछ दे सकते हैं समाज को एक राइटर थे लेकिन इनके समय में और भी बहुत ज्यादा राइटर्स थे लेकिन अगर इंटायरली अगर आप देखेंगे तो पूरा कॉज भी एक ही दिखा रहा है इनकी किताबें सारी अगर आप देखेंगे वो एक ही चीज भी थी कि भाई कब सवराज आए लेकिन हम ये मान सकते हैं शायद आप थोड़ा सा क्रिटिक के तौर पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक चीज़ हुई कि इनका वे जो था मांगने का तरीका जो था वो बहुत तेज था जो कि अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं था इसीलिए इनकी काफ़ी सारी बुक्स को तो पढ़ना बिल्कुल बैन भी कर दिया बाद में काफ़ी टाइम पे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते रहे और अनफॉर्चुनेटली एक जो दुख भरी कहानी हमें इन तीनों के बारे में देखने को मिलती है कि बाद में बोध बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय और राजबिंद घोष अलग हो जाएंगे आ, बाल गंगाधर तिलक को जो है वो जेल कर दिया जाता है लाला लजपत राय लंदन चले जाते हैं सो वहाँ पे हमें थोड़ा सा अगर ये मोमेंट थोड़ी और आगे गई होती थोड़ा सा आगे हम अगर आगे देखते जब गांधी जी आए तो शायद और कुछ हो सकता था लेकिन जितना समय इन्होंने दिया है वो बहुत ही बेस्ट है और ये अच्छा समय इसलिए माना जाता है क्योंकि मॉडरेट के थ्रू कुछ हो नहीं रहा था उनके लिए एक समय था कि एटलीस्ट वो समझ पाते कि बेसिकली एक्सट्रीम लोग जो है वो क्या हमसे चाहते हैं वैसे इनका कोई और डिमांड नहीं थी सेम डिमांड मॉडरेट की भी यही थी फर्क सिर्फ इतना था कि वो ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड से आएगी लेकिन ये समझ चुके थे कि अंग्रेज किसी के दोस्त नहीं हो सकते हमें इसके लिए कोई स्टेप उठाना पड़ेगा और वो स्टेप यही था और बेस्ट वे है कि अगर आपको लगता है कि आपको आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप लिख के लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उनको हम और थोड़ा सा ब्रीफली देखने की कोशिश करें एंड इट इज मोर देन इन यू आर गोइंग फॉर द मीन आंसर राइटिंग यू कैन राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स एंड बिपिन चंद्रपाल वॉज फेमस वन ऑफ द त्रिमूर्ति ऑफ द थ्री मिल्टेंट अब ये वो जरा देखिएगा जो ये वोर्ड में बार बार मैंने क्लास के अंदर में भी आपको कहा था कि ये वो यूज जो किया जाता है ये आप देखेंगे तो ज्यादातर ये यूज वर्ड जो किया है वो यूरोपियन हिस्टोरियंस ने ज्यादातर यूज किया है बेसिकली हम जब होते हैं तो हम फ्रीडम फाइटर के तौर पे यूज करते हैं ये लिखा गया है कि दे देवे थ्री मिल्टेंट पैट्रीडॉक्स जो पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल और इनको त्रिमूर्ति के नाम से तीन जिन्होंने उस समय अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सताया बहुत तंग भी किया और अलग अलग वे से और तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे सिर्फ फर्क एक रहा जो मैं बार बार की आइडियाज बहुत क्लैश कर रहे थे आईएनसी के साथ ज्यादा ना बनने के कारण ये बिखर गए वरना आप इनको बहुत लाला लजपत राय फिर हम लोगों को साइमन कमीशन में भी देखने को मिलेंगे क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हो जाएगी 1920 के बाद उनका भी एक सफर खत्म हो जाएगा 1916 के अंदर जो होम रूलिंग मूवमेंट तक हम उनको देखते हैं तो आगे नहीं कंट्रीब्यूट हुआ लेकिन स्टिल जो दिया है वो बहुत है दीज थ्री वे रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द फर्स्ट पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इन द 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल ये पहले हैं जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ आवाज उठाई थी अब आप बोलेंगे कि सर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 जो कि लॉर्ड कर्जन ने की थी उसके खिलाफ तो सबने बात की थी लेकिन अगर आप देखेंगे इसको पॉपुलर करने के लिए अब ये वोट कह रहे थे फर्स्ट पॉपुलर अपराइज अगर इसको किसी ने पॉपुलर किया और सबसे पहले आवाज उठाई फिर बाद में मॉडरेट ने भी कहा कि यह गलत है लॉर्ड कर्जन की वो जो बंगाल का विभाजन था कि दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल द टेरिटरी बिकॉज बांग्लादेश इन दैट सो इन्होंने उसको बहुत पॉपुलर किया और लोगों को समझाया कि ये डिवाइड एंड रूल किसी यही चीज है जिसकी वजह से हम स्वराज की डिमांड कर रहे हैं कि आज ये बंगाल के साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा सो तो उसके पीछे इनका बहुत बड़ा सो so, यहां पे मैं मानता हूं अगर आप पॉइंट डालेंगे जब हम मेंस की आंसर राइटिंग लिखेंगे कि द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिपिन चंद्रपॉल इंपॉर्टेंस ऑफ लाला लजपत राय इन द इनिशियल स्टेज इनिशियल स्टेज के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह लिखनी पड़ेगी कि इन्होंने ही लोगों को अवेयर किया था कि बंगाल की पार्टीशन क्यों हमारे लिए ठीक नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट बिपिन चंद्र पाल वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द ग्रेट अगर आपने सुना भी जनरल कॉल्ड बंदे मातरम इट्स नॉट बी इट्स बी एक याद रखिएगा बंदे मातरम ये इनके थ्रू बहुत सारा मैं वही कह रहा हूँ कि थॉट के थ्रू लोगों को जो इन्होंने इंस्पायर किया वो बहुत बड़ी बात थी अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो उनको हम लोग चीफ आर्किटेक्ट ऑफ बंगाल बंगाल के अंदर आपको याद है कि बंगाल ही वो जगह थी जहां से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई अगर आप अपने स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर नाइन और चैप्टर नंबर टेन देखेंगे टू एडिशन के अंदर तो वहां पर एक टॉपिक हम पढ़ते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया यानी कि किस तरीके से नाइनटीन सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर रिफॉर्म हुआ रिफॉर्म इन सोसाइटी रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ रिलीजस दो तरीके से और फिर बाद में आता आता और रिफॉर्म बढ़ते गए और उसमें से एक नाम बिपिन चंद्रपाल का भी है अब यहां पे ये लिखा जाता है कि अगर हम देखें तो बंगाल के अंदर जो मूवमेंट ये स्टार्ट हुई उसका मेन क्रेडिट जो है वैसे हम राजा राम मोहन राय का नाम लेते हैं लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि इनकी भी इंपॉर्टेंस है रिफॉर्म मूवमेंट में एक्सट्रीम आउटलुक सेल्फ रेस्पेक्ट की बात की गई ये कल बाल गंगाधर तिलक के टाइम पे भी मैंने आपको कहा था सेल्फ सेक्रीफाइस एंड सेल्फ एफर्ट ये तीन चीजें ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में और आज भी हम इनकी बात करते हैं एक इंसान जब तक अपनी उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होगी बाहर कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा आपको सेल्फ सेक्रीफाइस पहले अपने आप से स्टार्ट करना है यह तीनों में आप देखेंगे ये बाल गंगाधर तिलक में भी था ये लाला लजपत राय में भी था ये बिपिन चंद्रपाल में भी था और यही इन्होंने बंगाल के अंदर लोगों को सिखाया कि सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी आपकी खुद की रिस्पेक्ट सेल्फ सेक्रीफाइस और सेल्फ एफर्ट ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरुआत जो होती है वो सेल्फ से होती है पहले आप अपने आप को बदले फिर दूसरों को बताएं आप खुद नहीं बदल रहे हैं लो, लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा समाज में हम अक्सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को भाषण देने में सजेशन देने में बहुत आगे होते हैं जब यही चीज हमें पूछी जाती है तो हम फेल होते हैं तो अच्छा होता है कि पहले आप अपने आप को बदलें, फिर आपको लोग देखेंगे तो डेफिनेटली वो भी बदल जाएंगे द ब्राह्मो समाज एंड प्रोटेस्टेड एंड सिस्टम ऑफ द नेशनलिज्म अरबिंदो अरबिंदो ने इनको ये नाम दिया अरबिंदो गोष इनके बहुत क्लोज थे कॉल्ड माइट प्रॉफिट ऑफ अ नेशनलिज्म अगर किसी ने को सही ढंग में समझा था

1929 के लाहौर सेशन में की गई थी यानी कि जिसको हम कहते हैं पुन स्वराज 1929 लाहौर सेशन और उस समय के प्रेसिडेंट जो थे वो थे पीटी जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने उसी समय यानी कि ये डिसाइड हुआ था कि ऑन 12 मार्च 1930 हंड्रेड दैट गांधी इज गोइंग टू बी स्टार्ट ए साल्ट मार्च और ऑन 26 सिक्स जैन इंडिया इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ये 1929 के लाहौर सेशन में डिसाइड हुआ इवन दो सुभाष चंद्र बोस भी उसमें थे प्रेसिडेंट पी टी जवाहरलाल नेहरू थे लेकिन उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि उससे पहले कभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की हो सकता है मे बी प्री का क्वेश्चन बन जाए कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट इज आर कोरेक्ट तो नाइनटीन को रेजोल्यूशन पास हुआ है अगर वहां पे पॉइंट रेजोल्यूशन के ऊपर आता है तो फिर 1929 है अदरवाइज आप देखेंगे तो बिपिन चंद्र ने पहले ही कॉल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से भारत को आजाद करना है ही वांटेड टू फेडरल इंडियन रिपब्लिक भारत पूरी तरीके से खुद आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी यानी कि ऐसा नहीं है कि स्टेट में उनका चलेगा सेंटर में ऐसा होगा ऐसा कुछ भी नहीं ही मेनली फोकस ऑन द इंडियन गुड्स

तो वही चीज है क्योंकि वो काल मार्ग का वो कंसेप्ट याद है ना कि हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ और इतिहास अपने ही दोहराता है और कोशिश क्या होती है कि जब हम बाहर से माल लाते हैं तो जो हमारे लोकल लोग होते हैं उनका माल नहीं बिकता उनका भी यही कहना था कि हम लोगों को अगर किसी तरीके से गरीबी को खत्म करना है और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ना हमें बाइकआउट कर देना है हमें कुछ भी चीज नहीं लेनी पड़ेगी

एक्सेप्ट किया था तो नहीं किया था He did not believe in the mild form of the protest like non-cooperation with the government, and he had a multifaceted personality that included being a leader. He was a leader. He was a teacher. He was a journal. He was the orator. He was a writer. He was a librarian. क्योंकि पहले वो टीचर भी रहे, लाइब्रेरियन भी रहे हैं. तो लाइब्रेरी में रहके आप क्या है कि बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं. और इससे पहले मैंने आपको कल जब बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ाया तो मैंने उस समय भी आपको पढ़ाया कि वो भी टीचर ही रहे हैं तो अपने प्रोफेशन के थ्रू आप किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करते हैं ना वो बहुत बड़ी बात है कोई कहता है ना कि सर मुझे मौका मिलना चाहिए कि लोग इंस्पायर हो मुझे देख के या मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं तो जिस प्रोफेशन के अंदर आप हैं उसमें रह के भी आप अगर कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे प्रोफेशन में आके क्या करेंगे और ये सारी चीजें आप देखिए यही बाल गंगाधर तिलक करेंगे यही आपके विपिन चंद्रपॉल ने किया जब मैं लाला लजपत राय पढ़ाऊंगा क्योंकि वो एल से अल्फाबेट आएगा तो थोड़ा सा लेट आएंगे वो लेकिन जब पढ़ाएंगे तो उनके बारे में फिर से बात होगी उन्होंने किस तरीके से अपने प्रोफेशन को यूज किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनलिज्म आपको याद होगा कि मैंने नेशनलिज्म क्लास टेन की एनसीआर चैप्टर नंबर टू में बहुत अच्छे से लिखा है कि देश के प्रति प्यार कैसे जगाया गया वैसे यूरोप के अंदर तो बहुत डिफरेंट वे था इंडिया के अंदर नेशनलिज्म अगर पढ़ना भी होगा आपको तो क्लास टेन की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर टू में नेशनलिज्म इन इंडिया और ये क्रेडिट आप इनसे नहीं ले सकते मैं मानता हूं कि शायद बहुत लंबे सफर तक नहीं रहे बट आज भी हम मानते हैं कि इनकी राइटिंग और इनकी सूझबूझ ने भारत को बहुत फायदा दिया था थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी आई आई रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट प्लीज़ टू पार्टिसिपेट इन द फ्री टेस्ट सीरीज ऑफ अन अकेडमी ऑन टी ट्वेंटी डेली करेंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ फिफ्टीन क्वेश्चन आपके होते हैं मंडे टू फ्राइडे एंड अभियान डेली स्टडी क्यूज ट्वेंटी मंडे टू फ्राइडे टेन एम और बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में फॉर माई स्पेशल क्लासेस आज हमारी क्लास सेवन पी एम है डेली मेरी क्लास सेवन पी एम होती है आंसर राइटिंग की और उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि आप एटलीस्ट यू पी एस सी की डिमांड को समझ पाएं कि क्या यूपीएससी आपसे डिमांड करता है सो यू कैन सर्च मी बाय ऑन अन अकेडमी लर्निंग एप द नेम ऑफ सुहील तुर्की और वहाँ पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी एंड यू पी एस सी सी एस सी बैच मिशन ट्वेंटी टू लक्ष ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री मिशन ट्वेंटी थ्री लक्ष्य ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री एंड दोज कैंडिडेट्स ऑन अन अकेडमी आज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू विल गेट अ ट्वेंटी बुक्स आपको अन अकेडमी की तरफ से ट्वेंटी बुक्स मिलेंगी और ये ट्वेंटी बुक्स अन अकेडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा लिखी गई हैं विद द वन ईयर और एबो जी एस सब्सक्रिप्शन सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन विद अकेडमी थैंक यू सो मच फॉर बींग विद दस विल गेट अ पी डी एफ अगर आप इस पी डी एफ चाहते हो तो आप uh, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए वहां पर भी आपको पी डी एफ मिल जाएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अन अकेडमी मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल स्टे सेफ एंड स्टेबलेस और रिमेंबर वन थिंग कीप यूर कंटेंट विद लेस एंड गो फॉर मोर रिविजन एंड uh, कल से ये क्लास जो है टेन एम होगी होपफुली आप वहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे एग्जैक्टली टेन एम डेली सो दैट वी कैन कंप्लीट ऑल दिस पर्सनैलिटी टिल थर्टीन ऑफ दिस मंथ एंड आफ्टर दैट आई विल कम विद द से सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्सनैलिटीज़ वेर वी कंप्लीट फ्रॉम एल्फाबेटिक मैन फ्रॉम ए टू जेड सो थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मींग स्टे सेफ एंड स्टेलेस एंड दोज हुट टू टेक अब्सक्रिप दे कैन यूज माई कोर्सल टेन आई फील वेरी ब्लेस टू बी पार्ट ऑफ यूर जर्नी एंड Uh, this is the right time for the 2022 and 2023 candidate. If you have any question regarding subscription or maybe any anything related to your uh, uh, UPSC journey, you can send me a message on an unacademy learning app or you can send me a message on UPSC mentor telegram channel as well. So stay safe and stay blessed.